उदाहरण 10। एक सीधी सड़क एवं भवन के पाद तक जाती है। भवन के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कार भवन के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 30 मीटर चलने के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। यदि इस बिंदु से भवन के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय 10 सेकंड हो तो कार की चाल एवं भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल, माना कि ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा बी सी बराबर x मीटर। दिया गया है कि सी डी बराबर 30 मीटर, कोण ए डी बी बराबर 30 अंश, कोण ए सी बी बराबर 60 अंश। तब समकोण त्रिभुज ए बी डी में 10 30 अंश बराबर लंब है ए बी और आधार है हमारा डी बी। 10 30 अंश का मान हम जानते हैं 1/3 बराबर ए बी हमारा एच है, बटा बी डी का मान हमारा बी सी धन सी बी है और बी सी जो है वो 30 है और धन सी बी हमारा एक्स है। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें एच का मान प्राप्त होगा 30 धन, इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 30 धन एक्स अंश में जाएगा बटा हर वर्गमूल 3। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में 10 60 अंश बराबर लंब है ए बी और आधार हमारा बी सी है। 10 60 अंश का मान हम जानते हैं वर्गमूल 3 होता है। ए बी हमारा एच मीटर हमने माना है बटा बी सी हमने माना है एक्स। तिर्यक गुणा करेंगे हम इसका तो हमें एच का मान प्राप्त होगा एच बराबर एक्स वर्गमूल 3, जो कि हम इसे समीकरण 2 मानते हैं। आगे देखते हैं समीकरण 1 व 2 से तीस धन एक्स बटा वर्गमूल 3 बराबर एक्स वर्गमूल 3। तिर्यक गुणा करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 30 धन एक्स बराबर वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे एक्स वर्गमूल 3 से तो हमें 3x प्राप्त होगा या x का पक्षांतर करेंगे हम दाएं पक्ष की तरफ तो 3x में से x गया तो 2x बराबर 30 या x बराबर 30/2 बराबर 15 मीटर। इस तरह से हमने x का मान 15 मीटर ज्ञात किया। अतः भवन की ऊंचाई h बराबर x वर्गमूल 3 मीटर है। तो हमने x का मान 15 ज्ञात किया तो ये 15 वर्गमूल 3 मीटर हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार बिंदु C
सी से भवन के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार को 10 सेकंड लगते हैं। इसीलिए कार की चाल बराबर हम जानते हैं चाल दूरी बटा चाल का जो सूत्र है दूरी बटा समय है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी हमारे पास 15 मीटर है और समय है हमारा 10 सेकंड। तो इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हमने कार की चाल ज्ञात की 1.5 मीटर प्रति सेकंड। यह इस उदाहरण का हल होगा।